गर्ली वाले कोई थिंग्स नहीं है मेरे में, मेरा लिपस्टिक खराब हो जाता था जब मेरे 200 और 10 व्यूज आते थे, कि सब मेरे नेल से जलते हैं। सबको रूम में से भगा दिया है। It's me Annie, welcome back to my channel. So, सब पहले ये बता दो मुझे कमेंट्स में कि तुम लोग क्या कर रही हो, कैसी हो, खुश हो, मस्त हो, और आई होप तुम लोग मस्त हो, खुश हो और भगवान जी तुम्हें ब्लेस करें। आई नो मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, लेकिन गाइज प्लीज़ बेयर विद मी, मैं मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था बनाने का, मन नहीं कर रहा था या फिर मतलब कुछ प्रॉब्लम्स में मैं फंस गई थी, समझ जाओ मतलब यार समझ जाओ मतलब मैंने ड्रेस ही कुछ ऑर्डर नहीं किया हुआ था कि मैं बना पाऊँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो बहुत सारे ड्रेसेस मंगवा के रखे हुए हैं ऑलरेडी, तो मैंने सोचा वाई नॉट लेट्स मेक अ हॉल ऑफ दिस ड्रेसेस। तुम लोगों को काफ़ी पसंद आने वाले हैं, यू कांट इवन इमेजिन डेट। मैंने इसमें इतने सारे ड्रेसेस रखे हुए हैं, इतने सारे, और कुछ बहुत प्यारे हैं, कुछ थोड़े प्यारे हैं, और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो गाइज बी रेडी बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी ह्यूज मीशो ड्रेस हॉल। सो आर यू गाइज रेडी? बिकॉज आई एम। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो Let me just, oh shit. पहले मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे ड्रेसेस मंगाए हुए हैं। So guys, can you see the mountain? Okay, I think we have 14 to 13 ड्रेसेस today, so be ready. और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव ऑन माई प्रीवियस वीडियोज। आई रियली अप्रिसिएट ईच वन ऑफ यू for liking and viewing my videos. And also I want to mention this that अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं तो मैं लाऊंगी मीशो पिंटरेस्टी ड्रेसेस, जो मैंने तुम लोगों ने देखा होगा मेरे बहुत सुंदर सुंदर, दो तीन तो बस मैंने दिखाए हैं, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर मैंने विशलिस्ट करके रखे हुए हैं मीशो पे, तो वो मैं फटाक से अगर इस पे अच्छे खासे व्यूज कमेंट्स आ गए तो मैं फटाक से ऑर्डर करूंगी और उसका हॉल बनेगा, उसके बाद डायरेक्ट अपलोड होगा। ऑल्सो दिस टॉप इज फ्रॉम मिंत्रा एंड दिस इयरिंग इज फ्रॉम मीशो, यू ऑलरेडी नो, एंड दिस नेकलेस इज ऑल्सो फ्रॉम मीशो। मैंने दिखा दिया है। हाउ इज माई लुक टुडे? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई बताता नहीं है लेकिन मैं बोलूंगी। ऑल्सो गाइज आई हैव अ बिग न्यूज टुडे दैट वी हैव कम्प्लीटेड 10K ऑन इंस्टा टुडे। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू ईच वन ऑफ यू। इसी की वजह से तो मुझे मोटिवेशन आया और मैं आगे वीडियो बना रही। और अगर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, सो गाइज प्लीज़ दिस इज माय आईडी इंस्टाग्राम का, गो एंड फॉलो मी इफ यू लव माय कंटेंट एंड इफ यू वाना बी माय फ्रेंड एंड इफ यू वाना जॉइन माय कम्युनिटी, लेट्स बी फ्रेंड। फर्स्ट ड्रेस मैं स्टार्ट करूंगी मेरे फेवरेट कलर से, जो कि है ब्लैक। दिस इज आवर फर्स्ट ड्रेस, इतना लॉन्ग है, और उसके बाद सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा इसका स्लीव। गाइस लुक एट दिस स्लीव, और ये ऐसे खराब भी नहीं होता है, जैसे कि अगर हम पहनते हैं तो वो ऐसे पचकता नहीं है, ये ऐसे ही रहता है। एंड आगे से हमारा हल्का सा वी नेक है, हल्का सा, बहुत हल्का सा है, और उसके बाद इधर ही इसका स्लीव, एंड ये काफ़ी लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है। इसकी ऐसे एक स्लीट है, और इसका क्वालिटी और मटेरियल बहुत बढ़िया है, और सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी मेंशन होंगी, क्योंकि मैंने इतने सारे ड्रेसेस रखे हैं अपने पास कि मैं सबका एक एक प्राइस और साइज नहीं बता सकती, तो मैं यहाँ पे सब चीज़ मेंशन कर दूंगी वीडियोज़ में। जब मैं एडिट करती रहूँगी तब मैं यहाँ पे डाल दूंगी। तो गाइस प्लीज़ चेक दिस आउट, और इसको मैं दूंगी 8 out of 10। यस गाइस दिस इज ऑफ दिस बिकॉज ये बहुत अच्छा है। और गाइज मैं अपना सबसे फेवरेट सबसे लास्ट में दिखाऊंगी, सो वॉच टिल द एंड एंड प्रेस द बेल आइकन
so you never miss any update. Okay, now let's move to second dress. ये summer के लिए best dress है. I'm telling you this. ये summer के लिए best dress है. And it's this one. Like I have this for like 2 to 3 years, ठीक है? I thought कि मुझे तुम लोगों के साथ अपना favorites ही थोड़ा शेयर करना चाहिए. Look at the material. ये बहुत सॉफ्ट है और इसकी भी sleeves देखो. Guys, it's so cute. और यहाँ पे elastic है यहाँ पे. और ये like mid dress है और यहाँ पे इसके ऐसे ruched वाले pattern बने हुए हैं और यहाँ पे ये थोड़ा knee के ऊपर आएगा. But otherwise, it's so pretty, guys. It's so pretty. I'll give it a 9/10. I love this dress. And you can see all the price and size and everything here. Now let's move to second one. मैंने उल्टा कर दिया है. यार. Okay. As you can see, it's XS. लेकिन ये एक्सेस में भी मुझे काफ़ी बड़ा लगता है. आई डोंट नो व्हाई. तो मुझे लगता है XXS मेरे में परफेक्ट होगा ये. बट अदरवाइज गाइज लाइक आई मीन लुक एट द फ्लावर प्रिंट. इट्स सो क्यूट. लाइक ये पूरा समरी है. पूरा समरी ड्रेस है ये. और यहाँ पे इसके बॉ बना हुआ है और बॉ तो आजकल इतना ट्रेंड में है भाई. एंड इट्स ऑल्सो लॉन्ग. ये मॉडेस्ट ड्रेस में आ जाएगा हमारे. इसको मैं ऐसे ही कर लेती हूँ. और यहाँ पे इसके ऐसे रफल्स पैटर्न बने हुए हैं और अंदर से इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है गाइस. बहुत सॉफ्ट है. इस ड्रेस को भी मैं दूंगी 9/10 बिकॉज आई लव दिस ड्रेस. द क्वालिटी एंड मटेरियल एंड प्राइस एवरीथिंग इज परफेक्ट. मैं ऐसे ही करूँगी. ऐसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है. एंड yes, please guys, tell me in the comment section which one you like the most. My heart both hilte hain. Isko main cut. Let's move to second dress. Isme zyada kisi dress ko lamba nahi kheench rahi hu taki video bahut zyada lamba na ho aur tum log bore na ho pao. To bas main jitna basic mota mota jitna ho matlab main hai wo wahi main bata rahi hu. Theek hai, to tum log sab samajh jana. Aur aise main to yahan pe mention kar hi dungi ki ye kya hai kya nahi. ओके सो आई हैव दिस बेसिक वन. जस्ट बेसिक वन इन ब्लैक. फिर देखो मैंने इसको उल्टा करके रखा हुआ है यार. सो ये बेसिक ऐसे बेसिक ड्रेस है. लॉन्ग लाइक लॉन्ग नहीं है. नी के नीचे जाएगा ये. बस सिंपल है. और इसे हम लोग काफ़ी लाइक तीन चार नहीं बोल सकती मैं. बहुत सारे लुक्स में स्टाइल कर सकते हैं हम लोग. ऑल्सो आई विल मेक वीडियो ऑन दिस वन. ये आई थिंक हम लोगों को पड़ेगा 200 या 300 में मे बी. सर्कल नेक है इसका. और ऐसे यहाँ पे इसके स्लीव्स ज़्यादा बड़े नहीं है. इतने ही छोटे हैं. और ऐसे लॉन्ग है ये. बस इसमें अब क्या ही बोलूँ मैं. 7/10 बिकॉज थोड़ा सा इसका मटेरियल क्या बोलते हैं इसको. तुम लोग देखो तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा जैसे कि सॉफ्ट नहीं है उतना. बट इट्स ओके. लाइक प्राइस वाइज इट्स ओके. Now let's move to second one. Oh my god. So it's this one. Like picture में दिखाया था ऐसा. मुझे लगा कि वैसा ही आएगा. इसका pattern और design तो सब same है. But एक थोड़ा सा quality wise है. ठीक है. Someone is lying like a पागल. पागल है. अच्छा एक ही ट्रेंड चल रहा था ना. मैम ये मेरे हिंदी ग्रामर का काम है. मेमड़ी ओ मेमड़ी. हम लोग तब से ऐसे तब तक मैंने पापा को बोल दिया पापा ओ पापड़ा. तो फिर मेरे पापा गुस्सा हो गए मेरे. फिर मैंने मम्मी को भी बोल दिया मम्मी ओ मेमड़ी. उसके बाद मुझे जूते चप्पल सब से नहीं पड़ा. मेरे पापा मम्मी बहुत चल है गाइस. दे आर चल. ओके गाइस सो दिस ड्रेस लाइक प्राइस वाइज तो मैं बोल सकती हूँ कि ये ठीक है. और हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि नो इट हैज़ टू बी परफेक्ट. लेकिन पिक्चर में और थोड़ा रियलिटी में तो अंतर होता ही है. लाइक डिफरेंस होता है. बट आई लाइक दिस ड्रेस गाइस. इट्स
और इसमें गर्मी में तो और भी अच्छा है, हवा आर पार होते रहेगा। और ये साइज़ एस में है और इसके स्लीव्स मुझे अच्छे लगे, इसमें भी ऐसे पफी स्लीव्स हैं। और हाँ, ये थोड़ा छोटा है, नी के ऊपर आएगा, ये बस यही चलते रहेगा हमारा, नी के ऊपर आएगा, नी के नीचे आएगा, बस यही इतना है। इसको मैं दूंगी 7.7 out of 10। सेकेंड ड्रेस गाइज, अभी ये जो मैं ड्रेस दिखा रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ मैं, जब ये ड्रेस मैंने मंगवाया था तभी मेरे यूट्यूब पे थोड़े व्यूज़, जब मैंने इसको दिखाया था तभी मेरे यूट्यूब पे थोड़े लाइक ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था। कहते जब मेरे 200 और 10 व्यूज़ आते थे तब मैंने ये डाला हुआ था। आर यू रेडी? मैं पहले वेट करती हूँ और जाके पहले इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, तभी मैं दिखाऊंगी ये वाला ड्रेस। चलो जाओ जाओ गाइस, जाओ 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 भाई, एंड प्लीज़ इग्नोर माय नेल्स, ये कभी भी अपने सही स्थान में नहीं रहते हैं क्योंकि मैं करती ही नहीं हूँ। आई डोंट नो व्हाई, ना ही मेरे पैर के नेल्स ठीक रहते हैं, ना ही मेरे हाथ के नेल्स ठीक रहते हैं, गर्ली वाले कोई थिंग्स नहीं है मेरे में। और मेरे नेल्स इतने बढ़ते हैं भाई, इतने बढ़ते हैं कि सब मेरे नेल्स से जलते हैं। ओके गाइस, सो ड्रेस इज दिस वन। यस गाइस, वो यही ड्रेस है जिसको आप सबने बहुत प्यार दिया। दिस ड्रेस डिजर्व्स अ यूनिक लाइक, इस पर मैं फिर से शॉर्ट्स बनाऊंगी। इसके स्लीव्स इतने हैं लाइक मिड, इतने यहाँ तक आते हैं, ठीक है, और राउंड नेक है इसका, क्या बोलते हैं, इसका साइज़ है एक्सेस और राउंड नेक है इसका, और ये इसका यहाँ तक स्लीव्स है, छोटा ही मिड है, और ये भी नी के नीचे ही तक ही जाएगा, ठीक है। और गाइस मैं एक बात बताती हूँ इसको मैंने क्यों बाय किया था। एक्चुअली मैं पहले बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मैं कुमकुम भाग देखती थी, ठीक है, अगर तुम लोग भी देखते थे तो बता दें मुझे कमेंट्स में, ठीक है, तो मैं देखती थी। और उसमें लाइक जो वो होती थी अभी की बहन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, वो लोग लाइक ऐसे ड्रेसिंग करती थी और ऐसे ड्रेसेस पहनती थी, लाइक शॉर्ट ड्रेस, ऐसे मिड ड्रेस वो लोग बहुत ज़्यादा पहनती थी। अभी की जो बहन थी साक्षी नाम है, क्या नाम, मैं भूल गई पूरा, वो लोग ऐसे मिड ड्रेस बहुत ज़्यादा पहनती थी और लाइक उस टाइम पे ऐसे ड्रेसेस बहुत चलते थे। तो मैंने देखा था ये वाला ड्रेस उन लोगों में, शायद मतलब ऐसा ड्रेस ऐसा टाइप का, तो मैंने जब मीशो पे देखा तो मैंने बोला कि चलो भाई मुझे तो अच्छे अफोर्डेबल दाम में मिल गया तो जस्ट ग्रैब दिस। तो यहाँ पे ऐसे स्लिपरी है इसका, पता नहीं कैसा मटेरियल, आई डोंट नो कि इसको कौन सा मटेरियल, इसका नाम नहीं पता मुझे, बट लाइक ये बहुत स्लिपरी टाइप है और अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट है अंदर से भी और बाहर से भी, बाहर से तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट है, और ऐसे नी के नीचे ही आएगा। और इसका गाइस कलर देखो, सो प्रिटी, एंड बस इतना ही बोलूँगी मैं, बहुत सुंदर है ये अभी भी मेरा फेवरेट है, आई लव दिस ड्रेस। इसको मैं दूंगी 9 out of 10। ड्रेस है हमारा, लोगों ने काफ़ी देखा होगा ये ड्रेस, लाइक ये बहुत कॉमन ड्रेस है, कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ये ड्रेस है, ये यहाँ पे अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ये आगे से ऐसे फ्रंट से ऐसे दिखता है, तो ऐसे इसके यहाँ पे जिप है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेयर भी देता है। मटेरियल तुम लोग देख लो, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है गाइस, अगर जैसे कि कंबल नहीं है तो इसे ही ओढ़ के सो जाओ, क्योंकि इट्स वेरी सॉफ्ट का क्या बोलते हैं, और एडजस्ट करने वाला भी है, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस, एंड आई विल गिव इट 8 on 10 बिकॉज लाइक मुझे इसका पैटर्न उतना अच्छा नहीं लगता है, बट क्वालिटी और इसका ये जो लेंथ है मुझे बहुत पसंद है। दिखाना ही भूल गई कि वो वाला मैंने दिखाया था ब्राउन वाला ना, ये वाला उसका ही ये सिमिलर है पूरा, देखो, और इसका देखो स्लीव कितना सुंदर है, और ये फुल सेम है उसी के जैसा, और ये पूरा लॉन्ग नहीं है, मतलब मिड ही है, बट इट लुक्स सो प्रीटी। कोई लड़कियाँ कोई ड्रेस को पहन ले उसके बाद तो वो और भी लाइक ड्रेस की खूबसूरती निखर जाती है। डू यू एग्री गाइस? Tell me in the comment section. Okay guys, so now let's move to the second dress.
सो अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा रैप अप करना चाहती हूँ ताकि मैं चाय पी लूँ, क्योंकि मेरा चाय बन गया और मैं अभी पी नहीं सकती. इन द मिडल ऑफ द शो, नो वे आई कांट, मेरा लिपस्टिक ख़राब हो जाएगा कि नहीं. सो दिस इज़ आवर कौन सा ड्रेसर, ये हमारा ड्रेस है ठीक है, और इसके स्लीव्स कुछ ऐसे हैं, बहुत प्लफी है, बहुत सुंदर है गाइस, ये बहुत सुंदर है, ये मेरा फेवरेट है. और इसका फेवरेट पार्ट दिखाती हूँ मैं, इसके इसका जो लाइक ये पैटर्न है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्लीटेड पैटर्न है इसका, ऐसे जो प्लीटेड स्कर्ट्स होते हैं ना, तो उसी के जैसा, ऐसा मतलब ऐसा उसी के जैसा सिमिलर है ये. और ये बहुत लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग नहीं, लाइक नी के नीचे आएगा ये. और यहाँ पे इसको हम लोग, यहाँ पे इसके ना, यहाँ पे नॉट बांधने के लिए भी दिया हुआ है, लाइक यू कैन एडजस्ट वो. और यहाँ पे ऐसे इसका पीछे बटन दिया हुआ है, पीछे इसके, और राउंड नेक है, और साइज वाइज ये साइज है इसका एस. और बहुत सुंदर है गाइस, बॉडी पे तो बहुत, मतलब पहनने के बाद ये और भी सुंदर लगता है तुम लोगों की तरह. तो और इसको मैं दूंगी 9 out of 10, क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लगता है. और इसको मैंने इसको मैंने क्रिसमस में भी पहना हुआ था, लाइक इस क्रिसमस में नहीं, 2023 वाले क्रिसमस में नहीं, 2022 वाले क्रिसमस में इसे पहना हुआ था, और ये बहुत सुंदर लग रहा था मेरे पे. ओके, सो दिस ड्रेस, मैं इसे वैलेंटाइंस पे दिखाने वाली थी, लेकिन एक बार मैंने मंगवाया था वो बहुत पहले ही, तो इसका ये जो स्ट्रैप है ये टूट गया था ठीक है. तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसको ऑर्डर किया मीशो से ही, और फिर वो वाला मैं जो मेरा ये वाला टूटा हुआ था मैंने उसको डाल दिया और इसको रख लिया. मैंने चीटिंग नहीं की है, लाइक उसको मंगवाए हुए मेरे 2-3 दिन ही हुए थे, और जब मैंने उसको पहना वो टूट गया. तो गाइस इट्स नॉट माय फॉल्ट, ठीक, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया. और इसके पीछे ऐसे स्ट्रेचेबल है, और आगे कुछ ऐसा रच टाइप पैटर्न है, ये भी नी के ऊपर आएगा, और ऐसे स्ट्रैप से, बस ये थोड़ा लोकल लगता है, बट इट्स ओके, लाइक वी कैन मैनेज. बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, सुंदर है ये, बस ये थोड़ा सा अजीब लगता है, बट वी कैन मैनेज विथ दिस. और आगे से ऐसे स्क्वायर नेक है, ऐसे स्क्वायर नेक का पैटर्न देता है ये. जो पहले वाला आया था ना मेरे पास, जो मैंने पहले वाला मंगवाया था इसको, तो उसमें थोड़ा सा इसका प्रिंट रोज़, बिल्कुल रोज़ था, और इसमें आई थिंक डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आई लाइक इट, मतलब अच्छा है, ठीक है, 7 out of 10, इट्स ओके. अब देखते हैं हम लोग हमारा समरी ड्रेस, जो तुम लोगों को काफ़ी पसंद आने आने वाला है. ये बहुत एस्थेटिक है गाइस, लुक एट दिस, ये साइज एस में है, और इसका भी प्रिंट देखो भाई. और यहाँ पे इसका थोड़ा लाइक क्या बोलते हैं, इलास्टिक है, स्ट्रेचबिलिटी वाला है ऐसे देखो. और इतना बड़ा है इसका स्लीव, और थोड़ा सा वी नेक थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, वी नेक इतना. और आगे ऐसे 2-4 बटन्स दिए हुए हैं, और उसके बाद फिर फ्रॉक टाइप है. बहुत प्रीटी है गाइस, ये बहुत प्रीटी है, पहनने के बाद जो लुक देता है ये, इट्स वेरी प्रीटी गाइस. इन सब का फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, लाइक मैंने जितना भी ऐसे समरी वाला ड्रेस दिखाया उन सबका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा सा भी इचनेस नहीं है. और इसमें ये लॉन्ग है गाइस, ये भी नी के नीचे ही आएगा, समझ लो, देखो कितना लंबा है. और इसका प्रिंट, वाओ, इट्स सो एस्थेटिक. इसको मैं दूंगी 9 out of 10, really like this one also. लेकिन एक मैंने, मुझे लगा ये ड्रेस है, लेकिन ये दोनों अलग अलग पार्ट्स में थे ठीक है. तो बस इसका मुझे स्कर्ट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये ऑर्डर किया था और मुझे रिसीव हुए हैं 2 पार्ट इसके. मुझे लगा कि ये ड्रेस है अच्छा, तुम लोग भी बताओ, जैसे अगर तुम लोग इसको देखोगी तो तुम लोगों को भी लगेगा कि ये ड्रेस ही है, बट इट्स नॉट. ये ऊपर का अलग है और नीचे का अलग है. तो मुझे स्कर्ट तो बहुत पसंद आया इसका, लाइक इधर नीचे इसका पैटर्न,
और बहुत लॉन्ग भी है ये, ठीक है। और ये भी बढ़िया है, इसका ये भी बढ़िया है, लॉन्ग है। तो इसके जो फर्स्ट अपर पार्ट वाला है वो बिल्कुल भी मुझे मतलब पसंद नहीं आया, और मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा उसमें कैमरे में। जैसे हम लोग पहले मम्मी लोग क्या करती थी कि हमारे वाइट वाले, मेरे वाइट वाले ड्रेस पे क्या करती थी कि उसमें नील लगा देती थी, पता ना क्यों कुछ उसमें नील लगा देती थी, तो वो नीला नीला नहीं हो जाता था, ताकि हम लोग, मेरी मम्मी तो इसलिए लगाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गंदा कर देती थी, और इसलिए मेरी मम्मी नील लगा देती थी। और इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ देखो, ब्लू ब्लू लग रहा है ना, लाइक ये वाइट, पूरा वाइट नहीं है ये, इसमें ब्लू है कुछ, और जो ख़राब लग रहा है। और एक और चीज़ है, जब पहनने के बाद ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कि टाइट है और अच्छा लुक नहीं दे रहा ये, ऐसे इतना लॉन्ग है और इसके ऐसे स्लीव्स हैं, बस इसका मुझे मटेरियल अच्छा नहीं लगा, अदरवाइज इसका स्कर्ट बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इसको मैं दूंगी 6 out of 10, आई थिंक सबसे गंदा इसी को मिला है, और आई थिंक उससे ख़राब कह सकते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सारा ड्रेस कर लिया है, अब आता है बारी हमारे सेकेंड ड्रेस का, जो कि है गाइस दिस वन। ये थोड़ा रिवीलिंग है, इट्स सो क्यूट गाइस, इट्स सो क्यूट। पीछे से इसके ऐसे पैटर्न है, और यहाँ पे हम लोगों को नॉट बांधनी है, लाइक ऐसे पीछे से थोड़ा रिवीलिंग है, और तुम लोग देख लो भाई, फोटो देख लो तुम लोग, और थोड़ा छोटा ही है, लेकिन इसका प्रिंट देखो, इसका भी इट्स सो प्रिटी गाइस, इट्स सो प्रिटी। और आगे से ऐसे थोड़ा रिवीलिंग है, बट वी कैन मैनेज गाइस। मैं तो कहीं पहन के जाती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे जाने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन मेरे पास गोवा के भी ड्रेसेस हैं, मैंने बहुत पहले से ही ऑर्डर करके रखे हुए हैं कि मैं जब गोवा जाऊँगी तो मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी। आई डोंट नो मैं कब जाऊँगी। ओके, सो नाउ कम्स द लास्ट माई फेवरेट ड्रेस, एंड इट्स दिस वन। चमत्कार आ गया गाइस, इस ड्रेस इज माई फेवरेट, सो इट्स दिस वन गाइज। मैं बोल रही हूँ ये बहुत लॉन्ग है, और इसका स्लीव्स देखो, वाओ, ये बिल्कुल कोरियन ड्रेस है। इसको पहनने के बाद अगर तुम लोगों को कोरियन वाइब आई नहीं तो क्या। ये बहुत सुंदर लगा, इसमें ऐसे स्क्वायर नेक है, और यहाँ पे इसके साथ ये नॉट भी दी हुई है, दैट आप लोग एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से ऐसे करके। और जो गाइज लुक दे रहा है ये बहुत सुंदर है, और ये बिल्कुल मॉडर्स्ट ड्रेस में आएगा, बिल्कुल नॉन रिवीलिंग है ये। तो जो ये फ्लेयर है, आई रियली लव दिस फ्लेयर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके उसे देख लेना और ले लेना, और अगर एक्स्ट्रा किसी चीज़ का लिंक चाहिए होगा तो प्लीज़ गाइस कमेंट कर देना। और तुम लोगों को सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा लगा ये भी मुझे बताना, और अगर इस वीडियो पे जानते हो, समझ गए तुम लोग, अच्छे खासे लाइक आएंगे तो हम लोग पिंटरेस्ट ही फाइंड ड्रेसेस लाएंगे जरूर लाएंगे। ओके गाइस, सो टेक केयर, आई लव यू, बाय।